उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। कश्मीर की महिला पत्थरबाजों को ये जनरल की मारक सौगात है। वो चंद महिलाएं जो कश्मीर में ढाल बनकर आतंकियों की हिफाजत करती है, उन्हें सबक सिखाने आ रही है सेना की नारी शक्ति। हमारे को रैंक एंड फाइल में, यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं, उस रैंक में भी लेडीज की जरूरत है। आतंक प्रेमी ब्रिगेड के खिलाफ सेना के इस नए प्लान के साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे बॉर्डर पर जारी एनकाउंटर सीरीज में भारत को मिल रही है एक तरफा जीत। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर आगे के दिनों में हमारे को आवाम को इतनी तकलीफ नहीं होगी और हम भी अपने कार्रवाई में सक्षम होंगे। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया था। सेना अब नवीनतम उपकरणों को इस्तेमाल कर रही है ताकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं ऐसे ही पहाड़ियों से, उनको लोकेट किया जाए। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, राडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए कश्मीर में सेना का काली अवतार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हिंदुस्तान की सेना में इनकलाब आने वाला है। ये इनकलाब जंग के मोर्चे पर आएगा। अब देश के दुश्मनों का सामना मोर्चे पर काली अवतार से होगा। जी हां, अब लड़ाई के मोर्चे पर तैनात होंगी महिलाएं। दुनिया के हर मसले पर मर्दों से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं अब युद्ध के मोर्चे पर भी मर्दों के साथ कदम ताल करेंगी। इसकी शुरुआत होने वाली है कश्मीर से। कश्मीर से इसलिए क्योंकि कई बार जब भी सेना किसी ऑपरेशन के लिए जाती है तब उसे आवाम का सामना करना पड़ता है और कई बार महिलाएं हमारे जवानों के सामने आ जाती हैं। लिहाजा इस तरह के मोर्चे से निपटने के लिए सेना नारी शक्ति की जरूरत है। अब सेना महिला सैनिक ऐसे मोर्चे पर तैनात की जाएगी। बॉर्डर पर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लड़ने वाली बीएसएफ की महिला ब्रिगेड को आपने देखा होगा। जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर चुनौती को पार करने वाली भारतीय सेना के महिला दस्ते का दम भी दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब सेना में महिलाओं को मिलने जा रही है सबसे मुश्किल चुनौती कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबले की। हमारी जो इस वक्त जरूरत है वो ये है कि हमारे को रैंक एंड फाइल में, यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं, उस रैंक में भी लेडीज की जरूरत है। चुनौती महिला पत्थरबाजों से निपटने की। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। चुनौती आतंकियों की ढाल बनने वाली महिलाओं को
सेना के रास्ते से हटाने की। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक मिले। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का ये सिर्फ बयान नहीं, ऐलान है। यानी अब लोहे को लोहा काटेगा। कश्मीर में आतंकियों को बचाने वाली चंद महिलाओं से सेना की महिला ब्रिगेड निपटेगी। यानी आने वाले दिनों में जिस तरह सेना और सुरक्षा बल के ये जवान आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं, उसी तरह सेना का महिला दस्ता भी मोर्चा संभालेगा। सेना के साथ मिलकर ऑपरेशंस किए गए, मैं समझता हूँ वो काफ़ी कारगर और काफ़ी इफेक्टिव होगी, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। एक बार जब वो सैनिक ड्रेस पहनती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो इक्वली परफॉर्म करती हैं। जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं उनका एक उनसे अगर आप देखें तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी काबिल-ए-तारीफ है। पिछले दिनों सेना के ऑपरेशन के दौरान कई बार देखा गया कि कई आतंकी पत्थरबाज महिलाओं की आड़ में बचकर भाग निकले। जनरल के मुताबिक अगर ऐसे ऑपरेशन में महिला सैनिक भी शामिल हों तो आतंकी और पत्थरबाज महिलाएं अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे पास ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट फोर्सेस में महिला यूनिट्स हैं, महिला रेजिमेंट्स हैं, उनको आप डिप्लॉय करके देखिए कि इसका क्या नतीजा होता है। बट उससे भी ज़्यादा मैं ये फील करता हूँ कि पत्थरबाज का कोई जेंडर नहीं है। पत्थरबाज चाहे वुमेन हो या मैन हो, उनसे तो डील एक ही तरीके से करना पड़ेगा। जनरल के मुताबिक पहले मिलिट्री पुलिस जवान के तौर पर महिलाओं की भर्ती होगी। आतंक विरोधी ऑपरेशन में जल्दी ही इस प्लान को लॉन्च किया जाएगा। तो लेडीज का जो महत्व है, मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग मिलिट्री पुलिस में निकाल आगे की कार्रवाई हम उसकी सफलता के बाद सोचेंगे। देहरादून IMA में पासिंग आउट परेड में शामिल होने के बाद जनरल रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने इस आतंकरोधी प्लान का खुलासा किया। भारतीय सेना में करीब 13 लाख जवान हैं, इनमें से 55,000 पुरुष अधिकारी हैं, जबकि महिला अधिकारियों की तादाद महज 3,000 है। वायुसेना में करीब 11,000 पुरुष अधिकारियों के मुकाबले 1,350 महिला अधिकारी हैं। थल सेना में करीब 36,000 पुरुष अफसरों की तुलना में महज 1,300 महिला अफसर हैं, और नौसेना में करीब 8,000 पुरुष अधिकारियों के मुकाबले सिर्फ 350 महिला अफसर हैं। तैनाती के लिए अगर गवर्नमेंट फैसला करती है कि आज एनरोल करेंगे, तो उनकी ट्रेनिंग, एनरोलमेंट ट्रेनिंग एक प्रोसेस स्टार्ट होएगा, और मैं समझता हूँ कि कम से कम एक साल बाद आर्मी इस शेप पर होनी चाहिए कि अच्छे वेल ट्रेंड जो हैं वेमेन सोल्जर्स वहाँ पे JNK में डिप्लॉय की जा सके। जवान वाले रैंक में महिलाओं की भर्ती के बाद सेना को कश्मीर में स्थानीय पुलिस से मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को भी पहले की तुलना में ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। देहरादून से राम अनुज के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। महिलाओं को लड़ाकू की भूमिका में इजाजत देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। हालांकि शुरुआत में उन्हें मिलिट्री पुलिस के पदों पर अपॉइंट किया जाएगा, और इसके साथ ही हिंदुस्तानी फौज पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली सेना हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सेना दुनिया में जेंडर बैरियर तोड़ने वाली कुछ आर्मी में शुमार हो जाएगी। भारतीय सेना में अधिकारी रैंक पर महिलाओं की भर्ती साल 1992-93 से ही शुरू हुई, लेकिन 2 दशक से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी भारतीय सेना में महिला शक्ति उम्मीद से बेहद कम दिखी। इस मामले में दुनिया के कई देश हमसे काफी आगे हैं। भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाएं न सिर्फ लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बल्कि मौका मिलने पर दुश्मनों का काम तमाम करने की हिम्मत भी दिखा रही है।
लेकिन महिला सैनिकों की संख्या बल में दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जाए तो भारतीय सेना अब भी पीछे है। इन्हें देखिए, ये अमेरिकी फौज की महिला सैनिक हैं। अमेरिकी सेना में करीब 2 लाख महिलाएं शामिल हैं। यानी अमेरिकी सेना में महिलाओं की भागीदारी 20% है। ब्रिटेन की सेना में 9% यानी करीब 18,000 महिलाएं हैं। कनाडा की सैन्य ताकत में महिलाओं की हिस्सेदारी 13% है। वहीं जर्मनी की फौज में करीब 6% महिला सैनिक हैं। भारतीय सेना की बात करें तो यहां अधिकारी रैंक में कुल मिलाकर 6% से भी कम महिला अधिकारी है। थल सेना में 3.3%, नौसेना में 3.9% और वायु सेना में सबसे ज्यादा लगभग 10% महिला अधिकारी हैं। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल बना नंबर 1, Zee News नंबर 1।